खाने का जो असली मजा आता है वो कंडे जो होते हैं उस पे पका के ऐड है। सित्तू है, मसाला मिक्स है, ये सब मिक्स है, जीरा है, सौंफ है, ये सब मिक्स है। हेलो माय फूडी फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कानपुर के नए एपिसोड में आप लोग का वेलकम है। तो आ चुके फिलहाल आज हम लोग केशव नगर में। भाई सर्दियाँ आ गई हैं तो कुछ कुछ हो जाए, तो बाटी चोखा खाने का मज़े कुछ और होता भाई। मॉर्निंग में क्या, दोपहर तक ही मिलते ज़्यादातर, और इवनिंग में तो कहीं मिलते नहीं, लेकिन सुबह सुबह जब बाटी चोखा खाने का मज़ा आता ना वो अलग ही होता। तो चलो भाई चलते शॉप पे, बात करते ओनर से, देखते आज क्या ट्राई करेंगे। बाटी चोखा ही मिल रहे हैं वही ट्राई करेंगे, तो चलते शॉप पे बात करते पहले। सो गाइस चलिए शॉप पे आके भैया से करते बात। तो भैया नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है? ठीक है। वैसे नाम क्या आपका? राहुल। और कितने दिनों से फिलहाल अभी शॉप चला रहे हो? ये मान लो लमसम हो गया दो साल। इसी जगह पे कि और कहीं भी? नहीं नहीं, दिल्ली में लगा रहे थे पहले। दिल्ली में, दिल्ली से ट्रेनिंग लेके आए और यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। तो वैसे क्या क्या खिला रहे हैं लोगों को आप? जो दाल बाटी है, चोखा बाटी है और पनीर बाटी है। तीन बाटी, तीन तरह की। और प्राइस क्या है? प्राइस है 30 रुपए की है, 50 रुपए की, 60 रुपए की है। नॉर्मल वाली 30 रुपए की है। नॉर्मल वाली 30 रुपए की। और बाटी दो? दो बाटी मक्खन की। मक्खन की अमूल के, अमूल वाली। तो भैया अमूल मक्खन की दो बाटी दे रहे हैं 30 रुपए में और साथ में चोखा। तो चलो भाई पहले आपको दिखाते हैं मेकिंग बाटी चोखे की। चोखा तो पहले से बना रखा होगा आपने, बाटी बनवा ले हम। तो चलो मेकिंग दिखाते हैं बाटी की, फिर ट्राई करते हैं, टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। बाटी खाने का जो असली मज़ा आता है वो कंडे जो होते हैं उस पर पका के जो खाई जाती है वो बाटी खाने का असली मज़ा आता है, क्योंकि जो उनमें सोंधापन आता है ना वो बिल्कुल अलग आता है। तो चलो भाई बाटी बनने जा रही है। ये आ गया अपना आटा, ये बनने की लोई, लोई की भैया बना के बढ़िया से, बेलने की ज़रूरत नहीं है, हाथ सही काफ़ी है। ये आ गया हल्का सा प्याज, और इसमें क्या क्या ऐड है? सित्तू है, हाँ, और मसाला मिक्स है, हाँ, ये सब मिक्स है, जीरा है, सौंफ है, ये सब मिक्स है। और ये नचा दी लट्टू की तरह। और ये आ गई भाई अपने तसले पे जिसपे राख बनी हुई है। तो कितनी देर में एक बाटी पक के बाहर आ जाती है? जब आधी हो जाती है तभी बनी बन जाती है। अच्छा, तो भाई देख रहे हो कंडे बिल्कुल रेड रेड जल रहे हैं। तो गाइस बाटी का अपना कलर चेंज होता है, धीरे धीरे ब्राउन होती जा रही है, लेयर जब ब्राउन हो जाएगी तभी बाहर आएगी। रेडी हो चुकी है बाटी, और ये आ रहा बाटी अपनी, इसी में डिप करी जाएंगी। पहले इसकी डस्ट हटाई जा रही, और ये आ गई भाई, इसको बोलेंगे स्विमिंग पूल वाले बाटी। भाई ये इनका चोखा, इस पर क्या क्या मिक्स करते हैं आप? इसमें है टमाटर है, धनिया है, मिर्चा है, भुजा हुआ आलू है, और बैंगन है उबला हुआ, ये सब मिक्स है। और ये आगे भाई स्पाइसी चटनी हरी वाली, हल्का हल्का नींबू करेंगे। तो भाई चलो आ रही अपनी बाटी स्विमिंग पूल से बाहर, और यार हल्का सा प्याज। तो चलो ट्राई करते हैं फिर टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। सो गाइस चलिए ट्राई कर लेते हैं, अपना चोखा और बाटी दोनों आ गई। तो भाई इन्होंने बटर से पूरा नहला दिया है, तो इसको इधर उधर स्विमिंग पूल वाले, और बाटी देख लो अंदर से, बाटी का सीन दिखाते हैं, बिल्कुल ब्राउन है अंदर से भी, पका हुआ लग रहा है, काफ़ी अच्छे से पकाया गया। तो भैया चटनी डाली गई ऊपर स्पाइसी हरी वाली, तो चलो ट्राई करते हैं फिर टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। और भाई बाटी खाने में प्याज ना मिले तो मज़ा नहीं आती है, लेकिन भाई मसाले ज़बरदस्त। और इन्होंने जब देखा था बाटी फील कर रहे थे तो प्याज अलग से पहले डाला था, तो वो प्याज बिल्कुल पक गया अंदर, पाक इतने। और लेकिन चोखा भी भाई इनका बहुत ज़बरदस्त है, मतलब आप कहोगे हर बाइट। और जिनकी चटनी हरी वाली आनंद ही अलग उसका, और चोखे का जितना भी मटेरियल है बहुत ज़बरदस्त है, और चटनी डाल के चार चांद लगा लिए। तो फाइनली फिनिश करते हैं अपना बाटी चोखा, आप भी आओ ट्राई करो, अगर 30 रुपये फुल ज़बरदस्त वाला नाश्ता मिलेगा आपको यहाँ पे। सो गाइस चलिए देखते हैं शॉप की लोकेशन, अगर आप पूर्वांचल के बाटी चोखा खाने आओगे तो शॉप की लोकेशन देखना जरूरी है। तो भाई आपको मिलेंगे शिवाजी से जस्ट पहले केशव नगर पे, और ये बना हुआ बीजेपी के कार्यालय, बीजेपी के कार्यालय के जस्ट बगल आपको शॉप मिलेगी जब आप मौरंग मंडी से जा रहे होंगे बर्रा बाईपास वाले सचान चौराहे के लिए।
तो शॉप आपको बीजेपी कार्यालय से जस्ट आगे चलने पे लेफ्ट साइड में मिल जाएगी, और जब इधर से आ रहे होंगे केशव नगर साइड से और जा रहे होंगे मोरंग मंडी के लिए तो शॉप आपको राइट हैंड में मिलेगी। तो भाई आप भी आओ और पूर्वांचल के बाटी चोखा ट्राई करवा करके। सो गाइस अपना आज का ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब के लिए तो नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।